क्षेत्र के अंतर्गत दो पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर पथराव हो गया, जिसमें पुलिस नगर निगम सहित कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं पत्थरबाजी की घटना में दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिजन कॉलोनी में मंगलवार रात को मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और दो लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही सदर बाजार थाना सहित अन्य थाने के पुलिस बल मौके पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद पूरी स्थिति पर काबू पाया और मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पूरी घटना पर ASP प्रशांत चौबे ने बताया कि दोनों पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बढ़ते ही दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में दो लोग घायल हो गए। मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक ऐसा बता रहे हैं, अभी अपुष्ट जानकारियां हैं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा तहकीकात कर रही है पुलिस, लगातार बहुत सारी चीजें, वीडियोस और अन्य जो साक्ष्य उनको ले रहे हैं। अभी प्राथमिक जानकारी जो प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ झगड़ा शुरू हुआ कुछ लड़कों के बीच में, FRB हमारी पास में थी, तत्काल उन्होंने रीच किया और FRB यहाँ आके उस विवाद को शांत किया। विवाद के दौरान मुख्य रूप से ऐसा बता रहे हैं, कल एक विवाद हुआ था जिसको लेके आज लोगों ने आपस में विवाद किया है। कुछ 4-5 गाड़ियों के कांच फूटे हैं और बहुत मामूली 1-2 लोगों को चोटें लगी हैं और पुलिस के बल तत्काल आ गए। हम लोग सभी यहाँ पे तहकीकात कर रहे हैं, जिन लोगों ने गड़बड़ फैलाने का प्रयास किया है उन्हें खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बच्चा और कुछ लोग बताया, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ युवकों के बीच में पथराव हुआ जिसमें कुछ मामूली चोटें आई हैं, लेकिन चूँकि पुलिस ने बहुत तुरंत रिस्पांस दिया इसलिए कोई बड़ी चोट किसी को नहीं आने पाई है। क्योंकि ये चौराहा है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, तो पथराव के दौरान 3-4-5 गाड़ियों के जो है कांच फूटे हैं, 1-2 कांच, तो उसमें जो उपद्रवी हैं जिनने प्रयास किया है घटना करने का या झगड़ा कराने का, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस, चूंकि मैंने बताया आपको कि FRB हमारी एकदम पास में थी, घटना की सूचना मिलते ही तुरंत FRB ने रीच किया, जिस कारण से ये घटना या विवाद बड़ा होने से बचा, जिस कारण से चोट लोगों को नहीं आ पाई है। लेकिन इसी दौरान चूंकि FRB भी गाड़ी यहीं खड़ी करके और जवान हमारे उतरे थे मैदान में डटे थे, एक पत्थर FRB भी लगा है। सर, ये जनता कर्फ्यू है, 144 लागू है, उसके बावजूद इस तरह निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले बताया घटना अपराध है और इस अपराध को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है सख्त वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। निश्चित तौर पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कुछ लोगों को हिरासत में ले रहे हैं, जिन जिन की भूमिका आ रही है उन सबको हम लोग पहचान करके उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। पुराना विवाद था कि अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कहा तो कुछ पुराना कल का एक विवाद था, हालांकि उसमें गिरफ्तारियां हो गई थी और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था वो, लेकिन और हम लोग जानकारी पूरी ले रहे हैं, जो भी है सख्त कार्रवाई की जाएगी, पूरी विवेचना करने के बाद सब बताया जाएगा।